हेलो फ्रेंड्स, शिमला व्लॉग की थर्ड सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो हम आपको बता दें, हम हैं हिमाचल की राजधानी शिमला में। पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था माल रोड पर ज़बरदस्त स्नोफॉल के नज़ारे। आज मौसम खुला हुआ है और हम आपको लेके चलते हैं कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स खाने। माल रोड पर आपको हर तरह के खाने की वेराइटी मिल जाएगी। हम पहुँच गए हैं 84 साल पुरानी दुकान प्रेम चाट शॉप पर। यहाँ का चना भटूरा और आलू टिक्की बहुत ही फेमस है। ये दुकान इतनी मशहूर है कि जो सीढ़ियाँ हमें दुकान तक लेके जाती हैं उन्हें छोले वाली सीढ़ियाँ भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरी दुकान सैलानियों से खचाखच भरी हुई है। गर्मा गर्म भटूरे निकल रहे हैं। दिसंबर का महीना है, ठंड भी बहुत है क्योंकि कल स्नोफॉल हुई थी। ऐसे में गर्मा गर्म स्नैक्स खाने का मज़ा ही अलग होता है। यहाँ के ओनर खुद आलू टिक्की बना रहे हैं। आलू टिक्की को ये चने के साथ सर्व करते हैं। यहाँ की एक बहुत ही मशहूर वैरायटी है पराठी कुलचे। हमने ऑर्डर किए हैं पराठी कुलचे। गर्मा गर्म छोले की परात में कुलचे को अच्छे से डुबो दिया जाता है और उसे 5 से 7 मिनट तक उसी में पड़े रहने दिया जाता है, जिससे वो छोले का सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लेगा। छोले कुलचे तो हमने बहुत खाए हैं, बट इस तरह से पराठी कुलचे हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। आप भी शिमला अगर आएँ तो इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यहाँ का खाना जितना स्वादिष्ट है, रेट्स भी बहुत ही रीजनेबल हैं। गर्मा गर्म आलू की टिक्की देखकर हमारे मुंह में भी पानी आ रहा है। हमारा कुलचा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। देखने से ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। इसको ये चटनी और सलाद के साथ सर्व करते हैं। गर्मा गर्म पराठी कुलचे हमारे सामने हैं, तो अब हमसे रुका नहीं जा रहा है, फटाफट हम इसे गर्मा गर्म खा लें, नहीं तो इतनी ठंड है कि ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। हमने यहाँ देखा कि भारतीय सैलानियों के साथ साथ विदेशी सैलानी भी चाट का मज़ा लेने यहाँ आते हैं। तो अगली बार आप शिमला आएँ तो प्रेम चाट शॉप पर पराठी कुलचे खाना ना भूलें। शिमला सीरीज़ के अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे टॉय ट्रेन का सफ़र, तो हमारे साथ बने रहें। हैप्पी एंड सेफ जर्नी फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।